हमें यहाँ से निकलने के लिए चाह भी ढूंढनी होगी। यहाँ बहुत डरावना है, बस मुझसे बहुत दूर मत जाना। ओ, ये तिजोरियाँ क्या है? उनके पास एक ताला है। क्या यहाँ सब कुछ ताला और चाबी के पीछे होगा? ओ देखो, इस बॉक्स पर एक चाबी बना है। चलो देखिए अंदर क्या है। अच्छा आइडिया डैन, मुझे अब चाबी मिल जाएगी। ओ मुझे आशा है ये कैंडी की एक प्लेट है। हालांकि नहीं, कुछ चल रहा है, मुझे चाबी लेनी है। ओ मैंने इसे ढूंढ लिया। कितना डरावना, ये कीड़े का कटोरा था। ओ, कम से कम मुझे चाबी मिल गई। ये पहले से भी बहुत अच्छा है। तो इस तिजोरी में क्या है, मुझे ये जानना है। मुझे परेशान करने की हिम्मत किसने की? दरवाजा बंद करो। तिजोरी के अंदर एक भयानक शेर है। तुम क्या कह रही हो, मैं अब नजर डालता हूँ। ओ दरवाजा बंद करो, मैं सो रहा हूँ। मियाँ मेरी रक्षा करो, मैंने तुमसे कहा था। ओ देखो, बॉक्स अपडेट किया गया है। चलो जाने की इस बार क्या है, लेकिन अब तुम। और अगर मुझे सच्ची में दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, मैं इसे अब छूंगा। ओ यहाँ कुछ जिंदा है। मैं अभी भी हाथों से बहुत सारी उपयोगी चीजें कर सकता हूँ, लेकिन चाबी कहाँ है? शायद यहाँ। मुझे माफ करना मिस्टर साहब, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ओह कितना खराब। ओह छी, लेकिन मुझे चाबी मिल गई। अब चलो तिजोरी खोलते हैं। मुझे लगता है कमरे की चाबी जरूर होगी। ओह नहीं। तुम्हें कैसा लगा डैन, क्या तुम्हें ये पसंद आया? तुम्हें निश्चित रूप से एक प्रैंक के साथ वाली तिजोरी चुना। बेहतर होगा तुम बॉक्स को देखो, इसे फिर से अपडेट किया गया है। फिर अब मुझे पता चलेगा कि अंदर क्या है। What? यहाँ कुछ समझ से बाहर है, कुछ घिनौना। मुझे आशा कि स्नॉट नहीं हो, प्लीज प्लीज। और यहाँ वह है। कितना गंदा, क्या ये सच्ची में स्नॉट था? ठीक है, चलो इसे भूल जाओ और तिजोरी खोलो, यहाँ निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। काश ये चाबी हो। पीकाबू, यहाँ कौन है? नहीं, मुझ पर हमला किया जा रहा है, बचाओ। डैन, मुझे लगता है मेरे मन में अब एक नया डर बैठ गया है। ओह, बॉक्स पहले ही अपडेट हो चुका है। क्या मुझे चाबी खोजने की जरूरत है? काश ये कुछ जिंदा ना हो। और यहाँ भी कुछ घिनौना है, पता नहीं यहाँ क्या है, लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है, एक ब्रेन की तरह लग रहा है। ओह हुरा, चाबी मिल गई। तो यह क्या था, तुम सोच रही हो और मैं तिजोरी खोलूंगी, अंदर क्या होगा? वाह, छोटा बच्चा कितना प्यारा, यहाँ इतनी शांति से कौन सो रहा है? ये छोटा स्केलेटन है, इसे हटाओ यहाँ से। ओह, बॉक्स को फिर से अपडेट किया गया है। हम जेल के चाबी के करीब हैं। केवल अब तुम चाबी की तलाश करोगी? हाँ कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नरम और चौकोर है, मुझे लगता है चाबी अंदर है, हमें इसे तोड़ने की जरूरत है। वाओ, ये जेली की तरह लग रहा है। ओह ये कितना कड़ा है, लेकिन मैं कर लूंगी, तोड़ना मुश्किल हो रहा है। लगता है मैं चाबी के करीब हूँ, थोड़ा और। हाँ चाबी मिल गई, हुर्रे। ओह मेरे हाथ स्लिपरी है, तिजोरी में क्या होगा? बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे नरक में खींचा जा रहा है। मैं ये होने नहीं दूंगा, चलो लड़ो। क्या तुम ठीक हो? बढ़िया, क्योंकि बॉक्स पहले ही अपडेट हो चुका है, हमें चाबी ढूंढनी होगी और यह मेरी बारी है। कितना बुरा है। अरे नहीं, मैं निश्चित रूप से उन्हें कहीं भी पहचान लूंगा, मैं चूहों से बहुत डरता हूँ। ठीक है मिस्टर माउस, मैं चाबी के लिए आया हूँ, मुझे मत काटो। ओ यहाँ चाबी है। ओ नहीं, यह चाबी नहीं है। ओ, उसे जाने दो, उसे जाने दो। लेकिन ये चाबी कहाँ है? ओ वह यहाँ है आखिरकार। चलो अब तिजोरी खोले, अंदर क्या है? मिया, मैं गीला हो गया हूँ, मुझे आशा है कि यह खून नहीं है। लिक्विड लाल क्यों है? क्या यह खून है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खून से डर लगता है। मिया जागो, आओ चलो अपने होश में आओ, अब चाबी ढूंढने की तुम्हारी बारी है, मैं इसे फिर से नहीं करना चाहता। ठीक है कोई बात नहीं, अंदर कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, मुझे उम्मीद है। कुछ गोल और इलास्टिक, ऐसा लगता है जैसे मैं किसी का सिर से खेल रही हूँ। ओह क्या कुछ मुलायम सा है, मुझे पसंद आ रहा है यहाँ। ओह और यहाँ चाबी है, हमें जल्द से जल्द तिजोरी खोलने की जरूरत है। हो सकता है यहाँ चाबी हो। यहाँ क्या होगा? वाह किसी तरह का बटन। डैन क्या तुम इसे दबा सकते हो? चलो बेहतर होगा अगर तुम दबाओ। ठीक है मैं दबा रही हूँ, यहाँ क्या होना चाहिए? ओ डैन यह क्या है, मैं पूरी तरह से कोई लिक्विड में ढक गई हूँ, मुझे आशा है ये चॉकलेट है। ओह
वाओ डेन, तुम्हारे लिए तिजोरी आ गई है। जाओ इसे खोलो। मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे कि अंदर क्या हो सकता है। तो कुछ फिर से चल रहा है, लेकिन चाबी कहाँ है? ओह, कहाँ है चाबी? ओह, मैंने इसे ढूंढ लिया, लेकिन अंदर क्या था? ओह नहीं, मैं केवल चूहों से ज्यादा बड़े तिलचट्टे से डरता हूँ। ये मेरी उंगली के साइज का है। ओह, हमें जल्दी तिजोरी खोलने की जरूरत है। अंदर क्या है? ओह मिया, मिया, मैं ना हिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक ही हेरी मकड़ी मेरे चेहरे पर है। इसे दूर हटाओ। ये एक सुपर बड़ी मकड़ी है। क्या तुम मेरी मम्मी को बता सकती हो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ? मैंने उसे हटा दिया। यह बहुत डरावना था। मिया, बॉक्स जल्दी खोलो। फिर से? ओह, यह कैसे संभव है? मुझे आशा है कि अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है। छी, फिर से कुछ घिनौना। मुझे सब कुछ बुरा क्यों लगता है? ठीक है, चलो चाबी पर ध्यान देते हैं। ये सब मुझे पूप की एक प्लेट की याद दिला रहा है। कितना बुरा है। कोई गन नहीं है, वह उससे अच्छा है। ओह, मुझे चाबी मिल गई। ओह, यह वह नहीं है जो मैं सोच रही हूँ, है ना? यह चॉकलेट है। वाह, कितना स्वादिष्ट। वाह, कम से कम कुछ अच्छा मिला। मुझे तिजोरी खोलने की जरूरत है, वहाँ एक चाबी जरूर होगी। हाँ। ओह वाह, यह तो बहुत अच्छा है। और इसने कुछ भी नहीं किया। अरे वाह, इसके अंदर तो चाबी भी है। चलो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हुर्रे, हमने इस खौफनाक कमरे को पार कर लिया। चलो यहाँ से जल्दी से निकलो। मुझे आशा है मैं इसे बुरे सपने की तरह भूल जाऊंगा। ओह, क्या चाबी फिट होता है? हुर्रे, चलो भागो। मम्मी, मेरे लिए चॉकलेट बार खरीदो। कैसा शोर है, अभी तो दोपहर के केवल 2 बजे हैं। एक मिनट रुको, क्या आज 31 अक्टूबर है? इसका मतलब है कि सिस्टर जेन पर खौफनाक हैलोवीन प्रैंक का समय शुरू होने वाला है। पहली शरारत एक गेंद और एक सफेद चादर की होगी। डरावना चेहरा नहीं भूलना है। हाँ। बू, यह कैसा चल रहा है? डर लग रहा है? तो चलो आगे चलते हैं। हमें बहुत ही शांत रहना होगा। ये देखो, मेरी बहन गहरी नींद में सो रही है। तुम उसके सिर के ठीक ऊपर एक भूत लटका सकते हैं, ताकि जब वो अपनी आंखें खोले तो वो सबसे पहले इसे देखे। इसके बाद वो अपने हाथों पर ध्यान देगी और उस पर खौफनाक दस्ताने पहने होंगे। वो उठकर मुझे ढूंढना चाहेगी, लेकिन अगर उसके पैरों के नीचे गोल कैंडी है तो वो दूर नहीं जा पाएगी। और अगला सबसे अच्छा है, एक प्लेट पर हरा स्लाइम। वो इस पर मुंह के बल गिर जाएगी। ये बहुत ही मजेदार होगा। और अब फाइनल टच, दरवाजे पर ईंट की दीवार लगा देते हैं। हाँ, चलो देखते हैं और हंसते हैं। ओह, कितनी अच्छी सुबह है। अरे, ये किस तरह का भूत है? यह मैं एक भूत हूँ। अरे, यह तो सिर्फ दस्ताने हैं। खैर, जो भी हो, बेन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अरे, मैं गिर रही हूँ। मुझे ऐसा कि स्नॉट नहीं था। बस बहुत हो गया बेन, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बेन। अरे, यह क्या है? यह एक दरवाजा हुआ करता था। ओह, सच में? तो यह एक सिर्फ वॉलपेपर है। गुड मॉर्निंग छोटी बहन, तुम्हें हैप्पी हैलोवीन। लगता है तुम खराब मूड में हो। क्या अच्छा शो है, मैं अपनी आँखें से नहीं हटा पा रही। हमें नाश्ते के लिए कुछ चाहिए। दूध, हमारे पास नाश्ते के लिए सीरियल्स है। बढ़िया है, लेकिन जेन अभी भी शो को इतना मगन होकर देख रही है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन उस पर प्रैंक कर सकता हूँ। हम अपनी प्लेट में सभी मीठे फ्लैक्स डालते हैं, लेकिन मेरी बहन के लिए मेरे पास कुछ और भी दिलचस्प है। गंदे कीड़े। अब हम सब कुछ एक खाली डब्बे में डाल देंगे और जेन के पास ले जाएंगे। मुझे आशा है उसे यह नाश्ता पसंद आएगा। खैर, अब उसे यह दे सकते हैं। अरे सिस्टर, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते के लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। यहाँ तुम्हारे लिए कप दूध और सीरियल है, और मैं चम्मच के बारे में भी नहीं भूला हूँ। ओह, तुम कितने अच्छे हो। धन्यवाद, मैं एक नया शो देख रही थी। मैं इसे सुबह से देख रही हूँ और अपनी ध्यान नहीं हटा पा रही हूँ। मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, और तुम जानते हो मुझे दूध के साथ सीरियल्स बहुत पसंद है। ओह,
इसकी गंध तो अद्भुत है। स्वाद, अच्छी, कितना गंदा। क्या तुम कीड़े दे दिए हो मुझे? तुमने नाश्ते में कीड़े खाए। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है कि अपने भाई को कैसे प्रैंक किया जाए। हम एक नकली टेबल बनाएंगे और काले टेबल क्लॉथ में चेहरे के लिए छेद करेंगे। ऊपर मैं इस पर पॉपकॉर्न डालूंगी और एक डरावना मेकअप करूंगी और अब हम उसे डरा सकते हैं। वाओ, पॉपकॉर्न की पूरी बकेट, कितना अच्छा है। वाओ, अब एक अच्छा वीडियो लगाकर इसे खाते हैं और शानदार समय बिताते हैं। लेकिन यह कुछ संदिग्ध लग रहा है, लेकिन पॉपकॉर्न स्वादिष्ट लग रहा है। अरे, किसी मॉन्स्टर ने मुझे काट लिया। मैं एक पॉपकॉर्न मॉन्स्टर हूँ, तुम मेरा पॉपकॉर्न नहीं खा सकते। मुझे मत खाओ। मेरे मन में एक नया शानदार आइडिया है प्रैंक के लिए। हाल ही में एक नकली हाथ मेरे पास था और जैन हेलोवीन के लिए अपने कमरे को सजा रही है। ये बहुत बड़ा मजाक होगा यदि मैं गलती से अपने हाथ में ड्रिल करता हूँ तो। मुझे बस नकली हाथ लगाने की जरूरत है। अब मैं अपनी बहन की मदद के लिए जा रहा हूँ। जैन, तुम क्या कर रही हो? लाओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं बस अपने सामान अपने साथ लाया हूँ। मैं कुछ ही समय में यहाँ छेद कर देता हूँ। ये क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा हाथ, मैंने अपने हाथ में ड्रिल कर लिया। ओह नहीं, क्या ये बेन का हाथ है? ओह, ये नकली हाथ है। ओह, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। अब मैं उसे आर्टिफिशियल माइंड से प्रैंक करूंगी। इसके लिए मुझे खूनी पट्टियों की जरूरत होगी और नकली खून की भी। हम पट्टियों को डुबाते हैं, अब हम विग के नीचे सबको छिपाते हैं और अब डराने जा सकते। वेंजी ने चाकू क्यों निकाला? अरे, रात में डरावनी फिल्में देखना बुरा आइडिया है। आगे क्या होगा? ओ जेन, क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखने आई हो? क्या तुम कुछ चिप्स लाई हो? ओ वाओ, अरे मैं तुम्हारे बाल खींचूंगा, मुझे चिप्स दो। अरे ये क्या हो रहा है? जेन, तुम्हारा दिमाग दिखाई दे रहा है। मुझे अपने भाई बहन पर एक शरारत के लिए नया आइडिया मिला है। अब मैं कद्दू से एक डरावना चेहरा काटने जा रही हूँ जो उसे पक्का डराएगी। या आंखें होंगी और अब मुंह। बढ़िया, हमें अंदर एक मोमबत्ती डालनी होगी और यह हो गया। अब हमारे कद्दू के मॉन्स्टर को बेन के बिस्तर के नीचे रखेंगे। अंधेरे से यह चेहरा और भी डरावना लगेगा। लेकिन यह काफी नहीं है, खूनी निशान छोड़ना जरूरी है, जैसे कि एक मॉन्स्टर अपने बिस्तर के नीचे छिप गया हो। और अब हमें बेन के आने से पहले यहाँ से भागना होगा। मैं अपने पैरों पर रंग लगा लेती हूँ और यहाँ अपना फुटप्रिंट छोड़ूंगी और भाई के आने से पहले भाग जाती हूँ। मेरा फेवरेट गाना बज रहा है। हाँ, और ये मेरा फेवरेट टाइम भी है। ये, अरे ये पैरों के निशान कैसे हैं? और वे मेरे बिस्तर के नीचे क्यों हैं? मुझे डर लग रहा है, बिस्तर के नीचे कौन है? अरे मेरे बिस्तर के नीचे मॉन्स्टर है। बेबी अपनी ड्राइंग खत्म कर रही है। तुम क्या खाना चाहती हो? ओह, बेबी को पैनकेक्स चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या सभी तैयार है? ओ एनी, बैटर को ऐसे बर्बाद मत करो। वेंसडे तैयार है। और दादी, ओ दादी, क्या आप ठीक हो? चलिए शुरू करें। ओह, तो मेरा बैटर तैयार है। मुझे पता था कि मुझे ब्रांडेड पैनकेक्स पकाना होगा। अब चलो एक टावर बनाते हैं और मेरी प्यारी पोती को खिलाते हैं। क्या कमाल की खुशबू है। वाह, तैयार। अब मैं इसमें कुछ मीठा डालूंगी ताकि बेबी को यह जरूर पसंद आए। चलो मेरा फेवरेट मैपल सिरप डाले और थोड़ा बटर। और मेरे पास रेनबो पैनकेक्स होंगे। और मेरे पास रेनबो के सभी रंगों का बैटर है। मैं रेनबो ड्रॉ करने के लिए और नहीं रुक सकती। ओह, ये क्या हो रहा है? ये क्यों निकल क्यों नहीं रहा है? हेलो। अरे नहीं, मैं बैटर से ढकी हुई हूँ। सब ठीक है, चिंता मत करो, मैं इसे अभी साफ कर लेती हूँ और खाना बनाने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पहला पैनकेक है। बढ़िया, एक यूनिकॉर्न के बिना कैसा रेनबो। बिल्कुल सही, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। दादी, आप क्या कहती हैं? हुर्रे, मुझे अपनी काली डाई नहीं मिल रही है। वह यहाँ नहीं है, थिंक। ओह, वो केवल यहाँ ही नहीं है बल्कि मेरी काली डाई लेकर आई है। धन्यवाद। चलो कुछ बूंदे गिराओ और तुम्हारा काम हो गया।
अब मैं सिरिंज में बैटर ले लेती हूँ। इसे ड्रॉ करने में बहुत सुविधा होगी। अब मैं एक बहुत ही भयावह स्पाइडर वेब और स्पाइडर ड्रॉ कर रही हूँ। कितना प्यारा। बहुत अच्छा। जरा इस बकरी को देखो, प्लेट को ताजे खून से सजाए, ओ मतलब स्ट्रॉबेरी सिरप से, और इस पर वेब और मेरे प्यारे मकड़ियों को रखेंगे। एक मास्टरपीस। वाओ वेंसडे, ये डरावना निकला। ओह और स्वादिष्ट भी। हाँ, क्या सभी तैयार है? बेबी इसे ठंडा होने से पहले खाकर बताओ। हाँ तो हमारे पास यहाँ क्या है? सब कुछ कितना सुंदर है। ओह क्या ये असली मकड़ियाँ है? ओ माँ, ये पैनकेक्स है। मैनेजर ने मुझे फिर से डराने का सोचा है। शायद ये दिखने में जैसा है उसे बेहतर स्वाद का होगा। स्पाइडर प्यारे होते हैं और खाने वाले स्पाइडर बिल्कुल भी डरावने नहीं होते हैं। स्वादिष्ट। आगे क्या है? ओह बहुत सारे पैनकेक सिरप के साथ। ये स्वादिष्ट होगा, मुझे इसे जल्दी चखना चाहिए। स्वादिष्ट, मीठा, बहुत अच्छा। और आगे क्या है? वाओ, ये एक यूनिकॉर्न पैनकेक है और एक रेनबो। और ये यूनिकॉर्न पैनकेक सीधे उड़कर मेरे मुंह में आ जाएगा। अद्भुत। यस। ऑलराइट। यूनिकॉर्न पैनकेक विनर है। मुबारक हो, इनिट बधाई हो। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? ओके। मुझे बहुत भूख लगी है। बेबी चिंता मत करो, यहाँ बहुत अनुभवी लोग काम कर रहे हैं, है ना दादी? हाँ बिल्कुल, इसे वापस दो वेंसडे। अच्छा ठीक है, ले लो। ओह यह क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो? मुझे पूरे छिलके से ढक दी हो। क्या तुम थोड़ा सावधान रह सकती हो? ओह इनी, तुम थोड़ी सावधान रह सकती हो, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें मदद चाहिए? लाओ मैं मदद करती हूँ। चलो मैं इसे खींचती हूँ, देखो। धन्यवाद दादी। अब मैं इसे एक विशेष चाकू से काटने जा रही हूँ। देखो कितने सुंदर आलू है, खड़ली। हाँ, मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया है। मैं रंगीन फ्राइज बनाना चाहती हूँ, है ना ये अच्छा? मैं सुंदर रेनबो फ्राइज बनाने जा रही हूँ, जैसा बेबी ने पहले कभी नहीं देखा होगा। तैयार। और अब ज्यादा काम नहीं बचा है, एक फ्राइंग पैन में इसे फ्राई करना है। मेरे पास एक फ्राइंग पैन है, तेल और स्टोव है। मैं इसे फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई करती हूँ। बढ़िया, यह इतना आसान है कि मैं शेफ बनने के बारे में सोच रही हूँ। क्या मुझे शेफ हैट मिलेगी? तो मेरा फ्राइज तैयार है। इनिट तुम बहुत अच्छी हो, यह बहुत बढ़िया बना है। मेरे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। मैंने साधारण आलू बनाए हैं, रंगीन नहीं, पर ये बहुत स्वादिष्ट है और क्रिस्पी भी। अपने आप को रोक पाना मुश्किल है। चलो कुछ केचप डाले। हाँ यहाँ, बहुत स्वादिष्ट। और मेरे फ्राइज तैयार हो चुके हैं, हम इसे निकाल सकते हैं और हम इसे पेंट करेंगे। ओह मैं थोड़ी गंदी हो गई हूँ। बेशक काला मुझे सूट करता है, लेकिन मैं अभी एक नए स्टाइल के लिए तैयार नहीं हूँ। और मैं आलू को काले रंग में रंगना चाहती थी, खुद को नहीं। मेरे गर्म आलू तैयार है, अब इसे केवल फाइनल टच देना बचा है। वाह, तुमने सोचा नहीं होगा कि ये केवल आलू नहीं बल्कि उसके पंजे होंगे। बेबी फ्राइज तैयार है, चलो चक्कर बताओ। वाह कितने खूबसूरत फ्राइज है। और व्यंजन ने मुझे फिर से डराने का फैसला किया, लेकिन मैं अब और नहीं डरूंगी, ये सिर्फ फ्राइज है। वाह सुपर स्वादिष्ट, मैं रुक नहीं सकती। आह और यहाँ क्या है? ओह तो यह केचप के साथ सामान्य फ्राइज है, लेकिन यह भी बुरा नहीं है। बहुत 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 स्वादिष्ट। बहुत ही ज्यादा अच्छा है यह। लेकिन यह तुरंत अपनी ओर ध्यान खींच रहा है, यह रेनबो फ्राइज है। इसके तो मैंने केवल सपने देखे हैं। मेरे दांतों में रंग लग गया है, मेरा पेट भर गया है और रेनबो फ्राइज जीत रहा है।
वाओ इनी, तुम फिर से जीत गई, मुबारक हो। बेबी ने ड्राइंग खत्म कर लिया है, इस बार क्या है? वो एक बर्गर चाहती है। वाओ, क्या सभी तैयार है? मैं ऐसा बर्गर बनाऊंगी जैसा बेबी ने कभी नहीं खाया होगा। सबसे पहले मैं बंस को सेकूंगी, फिर टमाटर जिसे रिंग्स में कटा हुआ होना जरूरी है, और कीमा मीट। अच्छे कीमा से कटलेट बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, चलो पहले इसे गोल बनाती हूँ और फिर पैन में डालकर सेकती हूँ, और फिर सलाद के पत्ते, रसदार कटलेट, चीज, टमाटर और एक बन के साथ सब कुछ कवर करती हूँ। ओह, मेरा सब तैयार हो गया। ओह चलो इनी, ये एक साधारण सैंडविच है, मेरी तारीफ की जरूरत नहीं है। तू, मेरे पास भी एक आइडिया है। ये बंस मुझे कुछ खास नहीं लग रहे हैं। मैं कुछ स्वादिष्ट ले लेती हूँ। डोनट, मैं ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप जोड़ूंगी, मीठा। मेरे बर्गर में एक खास बात होगी कि वह बहुत मीठा होगा। बच्चा सब कुछ खट्टा, मीठा और स्वादिष्ट पसंद करते हैं। मैं यही करूँगी। कैंडी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हाँ, अब इसमें मार्शमेलो डालना बचा है। कितना स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट और मीठा। मैं इस मीठे बम को खुद खाना चाहती हूँ। अब इसे ऊपर से ढक देती हूँ और ये तैयार। यहाँ मेरे काले बंस तैयार हैं। हम उस पर चीज डालेंगे, एक लाल मीट कटलेट। हमें अधिक चीज और अधिक खून की जरूरत है, यानी केचप की। हाँ, तो अब इसे ढक सकते हैं। और फाइनल टच के बारे में नहीं भूलना है, चिप्स मेरे लिए नहीं बल्कि बर्गर के लिए। वे मेरे मॉन्स्टर बर्गर के लिए एक बढ़िया जीप का काम करेंगे। थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं खाएगी। तुम मेरे आइस लेना चाहती हो? अरे ये मुझे बहुत पसंद है। धन्यवाद थिंग, तुमने मुझे गमी आइस दिया, वे तुम्हें भी सूट करते हैं। लेकिन अभी मेरे बर्गर को इसकी ज्यादा जरूरत है। मेरा बर्गर बहुत ही प्यारा बना है, चखने के लिए तैयार। सारे बर्गर बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? ओ, मैं इस अजीब के साथ शुरू करूंगी, यह फनी है और बहुत स्वादिष्ट है। और आगे क्या है? ओ हाँ, यह बर्गर जैसा मैंने ड्रॉ किया था बिल्कुल वैसा लग रहा है। इसे जरूर अच्छा होना चाहिए, मैं इसे खाने जा रही हूँ। यह क्या, प्याज? छी, नहीं मैं इसे अब नहीं खाऊंगी, दादी मैं प्याज नहीं खाती। तो यह क्या मीठा बर्गर है? इसे इनिड ने बनाया है। वाह, ये बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। मैं किसे चुनूं और जीत जाती है? वेंसडे को। वाह, गमी आइस भी बहुत अच्छे हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे बधाई हो, क्या तुम खुश हो रही हो? वाह, चलो वेंसडे अपने सभी दांतों के साथ पूरा मुस्कुराओ। नहीं, खैर ठीक है, पर तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है। मुझे कोको चाहिए, क्या आप इसे करेंगे? क्या सब तैयार है? मुझे आशा है सब कुछ स्वादिष्ट होगा। कौन शुरू करेगा? हाँ, अब मैं एक सॉस पैन में कोको और दूध मिलाने जा रही हूँ। यह सुपर स्वादिष्ट कोको होना चाहिए। चलो कुछ चॉकलेट मिलाएं। चॉकलेट ड्रिंक। तो मेरा कोको केवल एक मग में सर्व किया जाना चाहिए जिसमें मेरी पिक्चर हो, यह बेहतर है। सभी को पता चलना चाहिए कि यहाँ नंबर एक कौन है। दादी आप सच में बेस्ट हैं, लेकिन मेरा कोको भी कोई खराब नहीं होगा। मेरे पास कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट है। अब मैं फ्राइंग पैन में कुछ चीनी डालूंगी। कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी दादी। ठीक है, और अब मुझे दूध की जरूरत है, मैं दूध खोलती हूँ। ओह चलो खुल जाओ। ओह, मैंने इसे घिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, इतना कोको के लिए काफी होगा। मैं इसे सिर्फ सफेद नहीं छोड़ सकती, मुझे थोड़ा नीला रंग चाहिए, आकाश की तरह। देखो कितना सुंदर है। पीली क्रीम काम आएगी। अब मैं इसमें स्वादिष्ट धारियां बनाऊंगी। चमकीले स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूलना है। चलो इसमें अपना कोको डालें
अच्छा है ना? मुझे तो लगता है यह कमाल का है। बेबी खुश हो जाएगी। और कैंडीज और डेकोरेशन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह, बहुत बढ़िया। और यह स्ट्रॉ रेनबो के साथ। थिंग, क्या तुमने यह रंगों का पागलपन देखा है? मैं किसके बगल में काम कर रही हूँ? मुझे लगता है कि तुम समझ गई हो कि मैं किस तरह का कोको बनाने जा रही हूँ। मैं अपने फेवरेट ग्लास में कोको डालूंगी। अब इसे सजाऊंगी, वर्म्स जोड़ूंगी, पर ये गमी कैंडी होंगे। हम ज्यादा डराएंगे नहीं। तैयार? अगर सभी तैयार हैं, तो बेबी तुम इसे चेक कर बताओ, क्या तुम तैयार हो? ओ हाँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह कोको बहुत रंगीन है। ये जरूर इनिड ने बनाया होगा। स्वादिष्ट। ओह, और यह मेरी प्यारी दादी है। दादी के कोको हमेशा स्वादिष्ट होते हैं। वाव, बहुत अच्छा। ओह, और यह फिर से वेंसडे का है। उसकी फेवरेट खोपड़ी। चलो इसे ट्राई करें। गमी कैंडी और कोको स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे किसी एक को चुनना है। मैं इसे चुनती हूँ। एनी फिर से